आज मैं आपके साथ धनिया और पुदीने से बनने वाली दो तरीके की चटनी को शेयर करने जा रही हूँ। एक चटनी मैं लहसुन और प्याज के साथ बनाऊंगी और एक चटनी मैं बिना लहसुन और प्याज के बना। उसके लिए मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। एक गट्ठी पुदीने को साफ करके मैंने अच्छे से धो लिया है। एक गट्ठी धनिया को अच्छे से साफ करके मैंने धोकर काट लिया है। दो चम्मच मैंने बेसन वाली भुजिया ली है। 5 से 6 मैंने हरी मिर्च लिया है। एक प्याज मैंने काट लिया है लंबा लंबा। 5 से 6 लहसुन की कली मैंने छील ली है। 2 से 3 चम्मच मैंने दही लिया है। 1/2 स्पून मैंने काला नमक लिया है। 1/2 स्पून मैंने सफ़ेद नमक लिया है। 1 पिंच मैंने हल्दी ली है। 1 चम्मच मैंने जीरा लिया है और 1 मैंने नींबू लिया है। चटनी बनाने के लिए मैंने एक मिक्सी का जार लिया है, उसको धोकर अच्छे से साफ कर लिया। अब मैं उसके अंदर थोड़ा सा पुदीना ऐड कर दूंगी, थोड़ा सा मैं इसमें धनिया ऐड कर दूंगी, 2 चम्मच जो मैंने बेसन वाली भुजिया ली है वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी, 2 से 3 मैं इसके अंदर अपनी हरी मिर्च ऐड कर दूंगी, 1 पिंच मैं इसमें हींग ऐड कर दूंगी, थोड़ा सा मैं इसमें जीरा ऐड कर दूंगी, थोड़ा सा मैं इसमें नमक ऐड करूंगी, काला नमक। आप नमक को स्वाद अनुसार अपने ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें वाइट नमक ऐड कर रही हूँ और अब मैं इसको ब्लेंड कर लूंगी। मैंने इसको मिक्सी में अच्छे से चला लिया है। अब मैं इसमें 2 चम्मच दही के ऐड कर दूंगी। मैं इसमें कोई भी पानी का ऐड नहीं कर रही। अगर आपको मिक्सी में चलाने में मुश्किल हो रही है चटनी को, तो आप थोड़ा सा 1 से 2 चम्मच पानी भी ऐड कर सकते हैं। फिर मैं इसमें 2 चम्मच दही ऐड कर दूंगी। इसमें मैंने 4 चम्मच दही को ऐड कर लिया है और अब मैं इसको फिर से एक बार ब्लेंड कर लूंगी। हरी धनिया पुदीने की चटनी बिना लहसुन और प्याज के बिल्कुल तैयार। अब मैं अपनी दूसरी चटनी को तैयार कर लूंगी। चटनी बनाने के लिए सबसे पहले मिक्सी के जार को मैंने अच्छे से धो लिया। अब मैं इसके अंदर सबसे पहले धनिया ऐड कर दूंगी, फिर मैं इसमें अपना पुदीना ऐड कर दूंगी, उसके बाद मैं इसमें 3 हरी मिर्च को ऐड कर दूंगी, 1 कटा हुआ प्याज मैं इसमें ऐड कर दूंगी, 5 से 6 लहसुन की कली जिसको मैंने छील कर रखा था वो मैं इसको इसमें ऐड कर दूंगी, थोड़ा सा मैं इसमें जीरा ऐड कर दूंगी, थोड़ा मैं इसमें काला नमक ऐड कर दूंगी, थोड़ा मैं इसमें अपना सफ़ेद नमक ऐड कर दूंगी। आप नमक अपने स्वाद अनुसार भी कम से कम या ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। अब मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। दूसरी चटनी को भी अच्छे से पीस लिया है। अब मैं इसमें 1 नींबू ऐड कर दूंगी। नींबू का रस भी आप अपने हिसाब से कम बढ़ कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा खट्टा पसंद करते हैं तो आप 1 से 2 नींबू डाल सकते हैं। आप कम खट्टा पसंद करते हैं तो आप 1 नींबू भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसको चटनी को सर्व कर लूँगी। धनिया पुदीने वाली दोनों चटनी बनकर बिल्कुल तैयार है, एक बिना लहसुन प्याज के और एक लहसुन प्याज वाली। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।